सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दूध वाली मीठी सेवइयां बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। आज के इन्ग्रीडियंट बताने से पहले आपको मैं ये बता दूँ कि हमने एक न्यू वीलॉगिंग चैनल राना दील अहमद के नाम से स्टार्ट किया है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के लास्ट पर भी आप लिंक देख सकते हैं। जिस तरह आपने दूसरे हमारे तमाम चैनल्स को सपोर्ट किया, इसी तरह मेरे इस चैनल को भी जो है वो सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। चलिए मैं बताती हूँ कि आज की रेसिपी के लिए हमें कौन सी जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो दरकार हैं। इसके लिए हमने आधा किलो यानी कि एक गिलास दूध लिया है, आधी प्याली हमने चीनी की ली है, चीनी आप हसबे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पैकेट हमने सेवइयों का इस्तेमाल किया है, ये लच्छेदार सेवइयां आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। इसके बाद हमने चंद छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे, बादामों का क्रश कर लेंगे, बादामों को क्रश करेंगे, और हमने नारियल को भी क्रश कर लिया है। आपको जिस तरह पसंद है आप उस तरह भी नट्स वगैरह जो हैं वो डाल सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि इसके पकाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे, पतीली के अंदर हम एक गिलास दूध शामिल करेंगे, इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे और पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही दूध में एक उबाल आएगा हम उसके अंदर सेवइयां डालेंगे। चलिए अब इसको हम ढाँप कर रख देते हैं जब तक उबाल आता है। सेवइयां आप थोड़ा सा अंदर से इसको ब्रेक कर लीजिएगा, तोड़ के डालें, और मैंने जो है वो बारीक सेवइयों का इस्तेमाल किया है, आप इसमें मोटी सेवइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, दूध को उबाल आ गया है, अब हम इसके अंदर सेवइयां शामिल कर रहे हैं। और साथ ही हम क्या करेंगे, थोड़ी सी छोटी इलायची, मैंने 2 से 3 जो हैं इसके दाने इस्तेमाल किए हैं इलायची के, वो शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो सेवइयां उनको बॉयल आ रहा है, ये पक रही हैं। इसके अंदर आपने चम्मच हलाते जाना है थोड़ी सी देर के बाद, और जब तक दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा होता है हम इसको डिश आउट कर देंगे। अब मैंने हल्की आंच पर चूल्हे को करके सेवइयों को ढांप दिया है, जैसे ही 1 से 2 बॉयल इसको आएंगे, दूध गाढ़ा होगा, हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप दूध जो है वो पक कर गाढ़ा हो चुका है, सेवइयां हमारी पक चुकी हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमने सेवइयों को डिश आउट कर लिया है, मैं अब इसको बादाम और गरी के चूरे से डेकोरेट करूंगी, गार्निश करूंगी। आपको जिस तरह पसंद हो आप वैसे इसको गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सके और मेरे न्यू वी लॉगिंग चैनल राना दील अहमद को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।